उत्तराखंड विधानसभा सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ सभी नेताओं ने सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। सदन में आज कोई भी कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा सत्र की एक दिन की अवधि बढ़ाई गई, यानी सत्र 11 दिसंबर को फिर सदन संचालित किया जाएगा। कुन्नूर में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन की सूचना के बाद भारतीय सेना अकादमी में गुरुवार को होने वाले सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। आईएमए की पासिंग आउट परेड 11 दिसंबर को प्रस्तावित था, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सीडीएस जनरल रावत को भी आना था। जनरल रावत के निधन की शोक के चलते आईएमए की ओर से गुरुवार को आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें पीओपी की तिथि बदलने का निर्णय हो सकता है। देहरादून में ठगी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसमें थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में ठगी का मामला सामने आया है। यहां ओलेक्स पर साइबर ठगों द्वारा बेड खरीदने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर डाली। पीड़ित महिला की शिकायत पर थाना नेहरू कॉलोनी में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। सरकार ने गन्ना किसानों की सहूलियत के लिए गन्ना सेंटर बनाया, लेकिन इन गन्ना सेंटरों पर किसानों को अपना गन्ना तौलने के लिए 10 से 15 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं जसपुर नादेही शुगर मिल के बढ़ियावाला गन्ना सेंटर की। यहां किसानों को अपना गन्ना तौलाने के लिए कई कई दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। उत्तराखंड आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जनता को बिजली मुफ्त देने का वादा कर रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि मैं न्यायालय के समक्ष पक्ष रखूंगा। राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आप सरकार बनने पर हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की।